Student in the Rubisco Biology. Now we are going to the part number 5 of the living world. Okay, we already discussed about the nomenclatures. Okay, now we are starting our rules and what are new aspects in related to the nomenclature. Now start. मेन रूल फॉर ICBN मीन्स अपन इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रूल्स है जो नोमेनक्लेचर या कहेंगे साइंटिफिक नेम के अंदर आपके यूज में आएंगे. तो ICBN की बात करें मीन्स अपन बात करेंगे ओनली ओनली ऑन द प्लांट हाउ टू राइट साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट्स. तो ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रूल्स है उसके बारे में अपन देख रहे हैं. देखें फर्स्ट की बात करें अकॉर्डिंग टू बायनोमियल सिस्टम नेम ऑफ एनी स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ द टू नेम. वी ऑलरेडी नो दैट बायनोमियल सिस्टम्स के अंदर टू नेम्स रहते हैं जो अपने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा था. ठीक है एग्जाम्पल्स की बात करें सोलेनम ट्यूब्रोसम मीन्स पोटेटो का साइंटिफिक नेम है. फर्स्ट नेम जीनस को इंडिकेट कर रहा है एंड सेकेंड नेम स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है. ओके अब इनकी अगर बात करें एग्जैक्टली वही मैंने पहले ही बात क्लियर कर ली है. सोलेनम किसको इंडिकेट कर रहा है जेनेरिक नेम मींस जीनस एंड सेकेंड नेम इंडिकेट द स्पेसिफिक नेम मींस स्पीसीज नेम. अब कुछ यहां पर ऐसी चीजें है जो नोमेनक्लेचर के बहुत ज्यादा अब मैं कभी के बार पूछ लेते हैं हायर क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे जहाँ पे हायर थिंकिंग के क्वेश्चन बनते हैं तब इस टाइप के क्वेश्चन आपके जनरली पूछ जाते हैं. अभी तक जो इससे पहले अपन नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा तो इट्स अ नॉर्मल एंड सिंपल इंफॉर्मेशन. ओके नाउ वी लर्न वी टेक अ एडवांस इंफॉर्मेशन. ओके ग्रेट प्लांट नोमेनक्लेचर एक यहाँ पे वर्ड दिया है इसने टोटोनिम्स का मैं आपको क्लियर समझाता हूँ. ये बाद में पढ़ना नीचे जो लिखा है पहले मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान दें आप. टोटोनिम्स मीन सपोज कीजिए आपका नाम है विक्रम कुमार. क्या ये विक्रम कुमार को ऐसे लिख सकते हैं ये जैसे आपका मेन नेम होता है. हाँ फिर बात में आपका सर नेम है तो क्या विक्रम विक्रम ऐसा हो सकता है क्या विक्रम कुमार जी विक्रम विक्रम. अगर ऐसा है विक्रम विक्रम ऐसा है तो इसको कहेंगे टोटोनिम्स. बात समझ में आई. जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपने से अपने ऊपर ले रहे थे क्लियर समझ में आ जाए. फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम है टोटोनिम्स. अब साइंटिफिक नेम पे आते हैं अगर जीनस का नेम और स्पीसीज का नेम दोनों सेम है दैट्स अ टोटोनिम. अगर वो डिफरेंट है तो सर ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछ रहे पढ़ाया नहीं है पढ़ेंगे. ओके टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड. क्यों वैलिड नहीं है देखिए इधर जेनेरिक नेम प्लांट की अंदर बात कर रहा है ये प्लांट में टोटोनिम्स वैलिड नहीं है मींस ऐसे कभी भी प्लांट के अंदर नेम नहीं होते. ओके जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड नॉट बी सेम इन द प्लांट. कभी भी जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज का नेम सेम नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं. जैसे कि मैंजीफेरा कभी नहीं हो सकता ऐसे मीन्स टोटोनिम्स आपके वैलिड नहीं है प्लांट के अंदर. लेकिन अगर बात करें टोटोनिम्स आर वैलिड किसमें एनिमल्स के अंदर. एग्जांपल्स देखें जो ICZN आपके इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो आपके एनजीओ है या कहेंगे जो इसकी जो इंस्टीट्यूट है जो नाम प्रोवाइड करवाता है साइंटिफिक जिसको बोलते हैं ICZN. अगर एनिमल्स के अंदर बात करें तो वहां पर टोटोनिम्स को देखने को मिलेगा. लाइक दैट मीन्स जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम आर सेम. लाइक नाजा नाजा मीन्स द इंडियन कोबरा. ये कौन सा नेम जेनेरिक नेम ये कौन सा नेम स्पीसीज का नेम दोनों नेम कैसे सेम. देखिए इधर रैट का नेम रैटस रैटस मीन्स ये
gene genus ka name and second is the species ka name. That's a rat. Okay, so that's a tautonyms are only found in the animal, not to animals. Samajhna acche se. Length of the generic name and species name should not be less than 3 letter and not more than 12 letter. Means, अगर बात करें चाहे स्पीसीज का नेम है जेनरिक का नेम है कभी भी आपके 3 लेटर से कम नहीं होगा और कभी भी 12 लेटर से ज्यादा नहीं हो सकता. लाइक दैट मैंजीफेरा इंडिका. व्हाट इज मैंजीफेरा इंडिका? लाइक मैंजीफेरा मोर देन 2 लेटर, सॉरी मोर देन 3 लेटर बट नॉट टू मोर देन 12 लेटर. बट एक्सेप्शन एक बात करें अपन एक आपके रिक्सिया जिसका नाम है पैथेंकोटेंसिस जिसमें आपके 12 लेटर से ज्यादा है. देखे इधर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 means species name have a more than 12 letter. That's exception. Otherwise, all plant have a scientific name in letter of the more than 3 or minimum 3 letter and not more than a 12 letter. ज़्यादा 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते और minimum 3 letters होने ही चाहिए. चलिए. फिर नेक्स्ट नेम ऑफ द साइंटिस्ट. किसने ये प्रपोज किया? नेम ऑफ द साइंटिस्ट. मैंने पहले भी कहा था जो साइंटिस्ट नेम की डिस्कवरी करता है उस साइंटिस्ट का नेम हमेशा उसके एंड में लिखा जाता है. देखिए ऐसे मैंजीफेरा इंडिका साइंटिस्ट आपके कौन था? लीनियस, जिसको पीछे लिखा. किसी टाइप का यहाँ पर अंडरलाइनिंग नहीं होगी, किसी टाइप की यहाँ के ऊपर आपको इटैलिक्स नहीं शो करना है. ओके, सिंपल आपके वर्ड के अंदर इसको लिखना है तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा. आपके नेम ऑफ द साइंटिस्ट शुड बी नाइदर अंडरलाइन. देखो अंडरलाइन भी नहीं करना, इटैलिक्स भी नहीं करना है, एक सिंपल अल्फाबेट्स के अंदर अपन ने लिखा है यहाँ पे. नाउ इफ एनी साइंटिस्ट हैज प्रपोज्ड रॉन्ग नेम. देखिए कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैंने एक सपोज तबड़ा नहीं बन गया मैं लेकिन देखते होप सो. सपोज कीजिए आपके ऊपर तो सपोज कीजिए आप बड़े साइंटिस्ट बन गए, आपने किसी स्पीसीज या प्लांट का नाम रखा. ओके, जैसे प्लांट या स्पीसीज का कोई आपने अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम रखा लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद नेक्स्ट नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि आपका नेम रॉन्ग है और ये नाम सही है. तो जो रॉन्ग नाम लिखने वाला जो साइंटिस्ट था हमेशा नाम याद रखा जाएगा, उस साइंटिस्ट का नेम हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाएगा और जो नया नाम लिखने वाला साइंटिस्ट है उसका नाम हमेशा बाहर. मीन्स ये नहीं है कि नया नाम आ गया तो आपको भूल जाएंगे, आपके भी नाम को याद रखा जाएगा. लाइक दैट सपोज कीजिए एक अपने एग्जाम्पल ले लिया पाइनस की, कह सकते हैं अपन ये. तो देखिए एग्जाम्पल कनाडा, कनाडा के अंदर ये प्लांट है आपके, कैनेडियन प्लांट है शुगा कैंडेंसिस. शुगा कैंडेंसिस आपके साइंटिफिक नेम जो किसने प्रोवाइड किया? सेल्सबेरी या सेल्सबेरी ने आपके ये नाम प्रोवाइड किया, बट लीनियस ने इसको वापस से क्या कर दिया? सही. तो रॉन्ग नेम है इसलिए सेल्सबेरी ने रॉन्ग नेम प्रोवाइड किया, इसलिए अपन ने कहां रख दिया? ये अपन ने ब्रैकेट में देखे यहाँ पे. इफ एनी साइंटिस्ट प्रपोज द रॉन्ग नेम देन हिज नेम शुड बी रिटन इन अ ब्रैकेट. ब्रैकेट में लिखना जो रॉन्ग नेम आपके देगा उस साइंटिस्ट का नेम. एंड द साइंटिस्ट हु करेक्ट नेम शुड बी रिटन आफ्टर द ब्रैकेट. और जो करेक्ट नेम देगा उस साइंटिस्ट का नेम कहा देखना है अपन को? उसके सबसे लास्ट में पीछे की ओर. ग्रेट. नेक्स्ट नोट्स और लिख रहा है. तो लीनियस ने इस शुगा कैंडेंसिस का आपके नाम क्या रखा? देखे नेम द प्लांट पाइनस कैंडेंसिस. ओके, जीनस को पूरा चेंज कर दिया इन्होंने. तो होप सो ये मेन रूल्स ऑफ आईसीबीएन के आपको प्रॉपर समझ में आए होंगे. अच्छे से पढ़ना, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. ओके, आगे बढ़ते हैं.
सिस्टमैटिक्स क्या है? व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? द टर्म सिस्टमैटिक वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस इन 1735 में लिनियस ने सिस्टमैटिक की डिस्कवरी की या ये नेम आपके पूज किया। क्या है इसके अंदर, कैसे करेक्टरिस्टिक्स को अपन पढ़ेंगे? इंक्लूडिंग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग प्लांट, या कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म या कहेंगे लिविंग प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करना। एग्जाम्पल लाइक रूट, अगर प्लांट की बात करें, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, है ना। नेक्स्ट आगे देखे अपन, द टर्म सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमिक एंड क्लासिफिकेशन आर आफ्टर हेल्ड एज अ सिनोनिम, बट टेक्निकली दे कैरी डिफरेंट मीनिंग। मीन्स दैट द सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन तीनों एक ही है, बट अगर देखे जाए टेक्निकली डिफरेंट है। मीन सबका एक है, सिस्टमैटिक भी क्लासीफाई करना होता है, टैक्सोनॉमी भी क्लासीफाई करना होता है, क्लासिफिकेशन भी क्लासीफाई करना होता है। ओके, नेक्स्ट न्यू सिस्टमैटिक एंड न्यू सिस्टमैटिक एंड बायो सिस्टमैटिक ऑल आर सेम नेम, प्रपोज बाय गिवन बाय जूलियन हक्सले इन 1940 के अंदर। इस जो सबसे पहले जूलियन हक्सले ने आपके न्यू नेम आपके प्रपोज किया, लाइक दैट न्यू सिस्टमैटिक्स एंड बायो सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज अ न्यू सिस्टमैटिक्स? लाइक न्यू सिस्टमैटिक्स इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग इंटरनल मॉर्फोलॉजी कॉल द एनाटॉमी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कॉल द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। मीन्स कहेंगे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को न्यू सिस्टमैटिक्स में रखा, लेकिन केवल सिस्टमैटिक्स की बात करें तो ओनली इंक्लूड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर, नॉट इंक्लूडिंग इन द इंटरनल कैरेक्टर और एनाटॉमी। बट न्यू सिस्टमैटिक्स हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटरनल एनाटॉमी एंड एक्सटर्नल, मीन्स कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी, क्या कहेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी की स्टडी न्यू सिस्टमैटिक्स में होती है, और अगर बात के केवल सिस्टमैटिक में तो केवल उसके अंदर मॉर्फोलॉजी की बात होती है। माइंड इट क्लियर? गुड। एग्जाम्पल्स बात करें अपन, एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दूसरा कहेंगे साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके चले आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी की अपन बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ स्टडी डील विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर देन द क्लासिफिकेशन या कहेंगे आईसीबी एंड हैव डेवलप द सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। मीन्स अपने को एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जो क्या कर सके, किसी भी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करें, और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो अपने नाम दे दिया ICBN, मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। वापस कह रहा हूं मैं, टैक्सोनॉमी को यूज किस लिए किया जाता है? प्लांट के आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, प्लांट के आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, या कहेंगे एक स्टडी, एक ब्रांच ऐसी इसको अपन कहेंगे टैक्सोनॉमी। सिमिलरली अगर बात करें यही सेम अगर एनिमल्स के लिए है तो ICZN, इसकी अगर हेल्प किसके लिए, आइडेंटिफाई या क्लासिफाई एनिमल्स के लिए की जाएगी टैक्सोनॉमी। अगर बात करें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कौन था आपके, साइंटिस्ट डी कंडोले। टैक्सोनॉमी जो आपके दिया टर्म टैक्सोनॉमी वो किसने दिया आपके, डी कंडोले ने 1813 में। कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। पूरी टैक्सा या पूरे कहेंगे जितने भी प्लांट को क्लासिफाई किया है बाय द कैरोलस लिनियस। एस सांतापाव इज द इंडियन फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी।
टैक्सोनॉमी इज द थ्री टाइप्स, फर्स्ट अल्फा बीटा ओमेगा। टैक्सोनॉमी को जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री फेज, फर्स्ट अल्फा बीटा एंड ओमेगा। व्हाट इज अल्फा इन टैक्सोनॉमी? ओनली हैविंग ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट। आपको कभी कोई प्लांट की ग्रुपिंग करनी है तो क्या करना होगा? केवल बाघ के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के आप क्लासिफाई कर रहे, आप इनको एक ग्रुप के अंदर डाल रहे हो, दैट्स अल्फा टैक्सोनॉमी। समझ आ रहा है? वेरी गुड। बीटा टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, पैनोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, अदर कैरेक्टर्स, मीन मोर देन वन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसर्न करके अपन ग्रुपिंग करे ऑर्गेनिज्म की, तो उसको कहेंगे बीटा टैक्सोनॉमी। ओके, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट ओमेगा टैक्सोनॉमी मींस एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ द डेटा, डेवलप द क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब सीधी सी बात है, अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें किस बेस पर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स इवोल्यूशनी, इवोल्यूशन के बेस पर किसी प्लांट के या किसी प्लांट पे कितने पहले वो ओरिजिन हुआ है ना, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में अगर अपन उन कैरेक्टर्स को कंसर्न करके ग्रुप बनाए, दैट्स नोन एज द ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, टेक केयर, और एमसीक्यू सॉल्व करना ना भूले। ओके, बाय।